Hi guys and welcome back to my channel. This is me Rajeshri and I hope you all are doing good. So guys, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पतले और छोटे बालों को कैसे स्ट्रेट, लंबे और घने बता सकते हैं. So yep, यहाँ पर guys मैं जस्ट शावर लेकर आई हूँ और अपने बालों का टैंगल्स निकाल रही हूँ. So बस आपने बालों को दो पार्टीशन में लाइक डिवाइड करना है और अच्छे से अपने सभी टैंगल्स को निकालना है. फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिरम का. So यहाँ पर मैंने कोई मार्केट का सिरम यूज़ नहीं की हूँ गाइस, ये DIY सीरम है जो मैंने खुद ही अपने हाथों से बनाई हूँ. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको चाहिए तो आप जाकर ज़रूर इसे देखिए और ट्राई कीजिए. ये बहुत ही अच्छा वाला सीरम है जो आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ये ना ही आप रूट्स में लगा सकते हो बट आप इसे स्कैल्प में भी लगा सकते हो, क्योंकि ये आपके बालों के उलझन को ही नहीं बट आपके बालों को लंबे होने के लिए भी हेल्प करते हैं. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट DIY सीरम, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच इट गाइस. सो इसमें एक्चुअली गाइस मैंने एक एसेंशियल ऑयल भी डाली हूँ और उसका फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छा है. सो बाकी का ये बस मैंने अपने हाथों में लगा रही हूँ और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो. सो यहाँ पर बस मैंने ये टेलीफोनिक वायर रबर बैंड लिया है, इसे लेकर अपने बालों में अच्छे से बांध लेना है. जैसे आप हाई पोनी लाइक डालते हो उसी तरीके से इसे लेना है और अच्छे से बांध लेना है. आई जस्ट शो इट, वेट. सो बस इस तरीके से बांधना है. अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगी गाइस, ये बहुत ही सिंपल है. बस छोटा सा एक सेक्शन लीजिए और इसे इस तरीके से आप छोटे छोटे सेक्शन में छोटी बना दीजिए गाइस. सो बस पूरे बालों को इसी तरीके से ले लेकर छोटे छोटे सेक्शन में ब्रेड बनाना है. मेक श्योर गाइस कि आप जो भी लाइक सेशन ले रहे हो बाल का वो थोड़ा सा कम ही लो, ज़्यादा जाड़ा में नहीं लो ना, क्योंकि अगर जितना छोटा सेक्शन लोगे उतना ही अच्छा और उतना ही थिक आपका बाल दिखेगा. सो जैसे मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट की हूँ बस उसी तरीके से मैं बाकी सारे चोटियाँ भी कंप्लीट कर लूँगी. वेल गाइस, ये वाला जो हेयर स्टाइल मैं यूज़ बता रही हूँ ये स्पेशली दुर्गाष्टमी के लिए है, जो दुर्गा पूजा में मोस्टली लेडीज़ लोग साड़ी में इस तरीके से बाल करके अपने बाल को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी हीटर ऑन योर हेयर. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइल विच यू कैन लाइक ट्राई इट दिस नवरात्रि. सो बस इसी तरीके से सभी को लेकर मैं एक रबर बैंड से नीचे बैंड में लाइक टाई अप कर लूँगी ताकि वो खुले ना. अब जैसे कि आप देख सकते हो बस इसी तरीके से लेकर इसे छोड़ देना है गाइस सूखने के लिए. अगर आप चाहते हो तो आप ड्राई हेयर का भी लाइक हेयर ड्राई का भी यूज़ कर सकते हो बट मैं उसे लाइक अवॉइड करूँगी करना. सो बस इसे रख कर मैंने छोड़ दी हूँ. सो 3 से 4 घंटा मैंने बस इसी तरीके से रख दी है एंड गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे बाल अभी ड्राई दिख रहे हैं. सो बस इसे अभी निकाल रही हूँ. लाइक आफ्टर 3 to 4 आवर्स दिस इज़ हाउ इट्स लुक नाउ. सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं फुल ट्रिम में, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं. नाउ गाइस, आपको बेस्ट रिजल्ट इसको पूरे बाल खुलने के बाद दिखेगा. सो बस एक एक करके नीचे से होकर आप ऊपर की तरफ जाइए और धीरे धीरे से उसे निकालिए, वरना आपके बालों में उलझन आ जाएंगे, टैंगल्स आ जाएंगे. सो बस एक एक जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ उस तरीके से आप भी निकालिए. एंड गाइस एज यू कैन सी ये कितना अच्छा दिख रहा है. एंड गाइस व्हाट एल्स यू कैन डू, अगर आपको चाहिए तो आप रात में ही इस तरीके से बाल बांधकर सो सकते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसे खोल दिख सकते हो. सो फिर यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट विद दिस हेयर स्टाइल. सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर मैं अपने पूरे बाल निकाल रही हूँ एंड हाउ फ्लफी एंड नाइस माई हेयर इज़ लुकिंग. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट एक्चुअली हाउ यू विल गेट इट आफ्टर लाइक द आपके बाल को वैसे छोटे छोटे बालों में बांधकर इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा घना बाल मिलेंगे. वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको एकदम जड़ से इस तरीके से बाल चाहिए तो आपको क्या कर सकते हो, वो पोनी को छोड़कर आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प से पतले और छोटे बाल लेकर सेक्शन लेकर बांधना शुरू करो तो आपको टिप तक वैसे ही लेयर्स में बाल मिलेंगे. सो जिस तरीके से गाइस मैंने किया है, मैंने ऊपर की तरफ प्लेन रखी हो और नीचे की तरफ इस तरह से रखी हूँ क्योंकि मुझे नीचे की तरफ वेवी चाहिए था. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट गाइस, एज यू कैन सी आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम बैक एंड.
ये है, मैंने इसे बस अच्छे से बांध ली हूँ। इस तरीके के हेयर स्टाइल आप अपने साड़ी में बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटनिंग का यूज़ नहीं करना है तो बस बाल को बांध कर आप इस तरीके से खुला रख सकते हो इस नवरात्रि में। इसकी वजह से अगर आप टाई भी करोगे, आप इसे बन भी बनाओगे, तो आपका बाल बहुत ही अच्छा घना और मोटा सा बन दिखेगा। और कोई भी आर्टिफिशियल चीज़, ना ही कोई डोनट है डोनट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज, दिस इज ए वेरी सिंपल एंड बेस्ट वे हाउ यू कैन शो योर हेयर थिक, लॉन्ग एंड कर्ली। सो यप, दैट वॉज इट फॉर द डे गाइज। आई होप आपको आज का ये वाला मेरा आइडिया पसंद आया होगा। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर गाइज, सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इसी तरीके से हर रोज़ आपके लिए एक नए वीडियोज लाते रहूँगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू सून अगेन। टिल द टाइम, बाय।